नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारा विषय छायादान, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी शनि की उंगली, इसके नीचे शनि पर्वत, यह फ्लैट होना चाहिए, इसको वेल डेवलप्ड मानते हैं। अगर वेल डेवलप्ड हो उसके बावजूद भी इस पर्वत पर यहाँ पर कोई आपको स्टार मिल जाए, कोई क्रॉस मिल जाए, कोई काला तिल मिल जाए या कोई दीप बन जाए, कोई आड़ी रेखा हो जाए यहाँ पर, सब ये दर्शा रहे हैं कि शनि डेवलप्ड होने के बाद दूध भी पीड़ित है। आड़ी रेखा दिखा रही है, दिया चल रही है, शनि वक्री है, वक्री तो होता ही है। अब और घातक है, यदि हमारी भाग्य रेखा ये रास्ता बदल ले और अपोलो और शनि उंगली के बीच की तरफ चले जाए या वहाँ पर एक फिश बना दे तो ये और बुरा। अब चल रहा है 7.5। शनि निम्न राशि में है, प्रतिकूल फल दे रहा है, अब क्या किया जाए। और देखो साथ में ना जो भाग्य रेखा है इस पर भी असर पड़ सकता है, या तो होगी नहीं, होगी तो वहाँ पर कोई हल्कापन आ जाए, फीकी हो जाए, टूट जाए, श्रृंखला बन जाए, द्वीप बन जाए, कोई कला तिल भर जाए, कोई स्टार, कोई आड़ी रेखा, कोई क्रॉस, कुछ अशुभता आपकी भाग्य रेखा पर हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर एक द्वीप बन गया, इशारा कर रहा है कि तकरीबन 28 से 35 तक जातक की जिंदगी में बड़े तनाव होंगे, पारिवारिक तनाव, शारीरिक कष्ट, आर्थिक हानि, मानसिक तनाव और दिल पर भी दबाव, तनाव, भावनाएं आहत होगी, जिंदगी उथल पुथल, सब जगह प्रतिकूलताएं, सारी उन्नति रुक जाएगी आपकी, सारी सफलता रुक जाएगी आपकी। ऐसे समय में किया जाता है शनि को खुश करने के लिए छायादान। क्या करें, शनिवार के रोज तेल लें सरसों का और एक लोई कटोरी लें। तेल कितना, जिससे कि कटोरी पूरी भर जाए। कटोरी कितनी बड़ी, जिसमें हमारे चेहरे की छाया साफ दिखाई दे। जाओ जल के स्रोत के पास, जहाँ स्वच्छ पानी बहता हो, रुका हुआ नहीं, बहता हुआ पानी, वहाँ कटोरी जाकर, दोपहर में जाना, सुबह जाना, शाम को जाना, दोपहर अच्छा है, वहाँ जाकर कटोरी में, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालना ऊपर तक, फिर दोनों हथेलियों में लेना उसको और बड़े गौर से, पवित्र भावना से अपने चेहरे को कटोरी के अंदर देखना, तेल के अंदर देखना, खूब गहराई से देखना, एकाग्र होकर देखना, आपकी छाया दिखाई देगी। अब ओम शम शनिचराय बोलते हुए उस कटोरी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो और फिर मन मन में शनि भगवान से प्रार्थना करना कि हम पर कृपा बरसाएं, हमारे संकटों को हरे। आ जाइए वापस, 8 शनिवार कीजिए, आप बहुत राहत मिलेगी। यदि आस पास में कोई जल का स्रोत नहीं है तो फिर वही कटोरी लीजिए, सरसों का तेल लीजिए,
आसपास किसी मंदिर में पहुंचे हो जहां शनि की मूर्ति लगी हो, वहां पर कटोरी में तेल डालिए, अपना चेहरा देखिए, ओम शम शनिचराय बोलते हुए तेल का अभिषेक कर दीजिए शनि महाराज की मूर्ति को। लेकिन सारे काम साइड में होकर करना, शनि मूर्ति के सामने से मत करना। और जल्दी 8 बार करना, 8 शनिवार, बहुत फायदा होगा आपका। यह है छायादान, 8 बार करना है दोपहर तो अच्छा, या जल स्रोत के पास, चाहे शनि की मूर्ति मंदिर में, वहां पर कटोरी वहीं छोड़ देना है। और चमत्कारिक रूप से यदि आपने पूरी श्रद्धा के साथ किया, पूरे समर्पण से किया, विश्वास से किया, तो विश्वास मानिए प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं बदल लगेगी, जल्दी आप संकट से बाहर आ जाएंगे और गाड़ी सफलता की पटरी पर दौड़ने लगेगी। छायादान आपके लिए चमत्कारिक रूप से बड़ा शुभ कार्य साबित होगा। लेकिन अपने आप ज्योतिषी मत बनना, अपने आप डिटरमाइन मत कर लेना कि मेरा शनि पीड़ित है। जो दान होता है ना, आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि इसी के वजह से हो रहा है। जिस पर्वत की विशेष चीज़ों का हम विशेष दान करते हैं ना, अगर वो प्रतिकूलता नहीं दे रहा, दूसरा कोई प्रतिकूलता दे रहा है, तो हमें बड़ी घातक अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। हमें 100% श्योर होना चाहिए कि जो भी हम फेस कर रहे हैं ना छायादान के लिए, तो हमारा शनि पीड़ित होना ही चाहिए। बेहतर हो कि किसी एक्सपर्ट से अपनी हथेलियों की जांच पड़ताल करवा लें, बेहतर रहेगा। कई बार नौसिखी रूप से हम गलती कर बैठते हैं डिटरमाइन करने में कि किसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। छायाध्यान केवल शनि पर्वत के लिए है, जबकि पैसे का डिपार्टमेंट तो तकरीबन सभी ग्रहों के पास है। लेकिन जो हम भोग रहे हैं, अगर वो शनि पर्वत की वजह से है, तब छायादान काम करेगा। और आप नहीं भुगत रहे, किसी और की वजह से भुगत रहे हैं और आपने छायादान किया अब घातक, तो सावधान रहना। यहाँ पर ज़्यादा पंडिताई दिखाने की जरूरत नहीं है। मिथ्या भ्रमत पाल अपने बारे में कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं जान सकता हूँ, किसी अच्छे विशेषज्ञ से राय ले लेना ना, तब जाकर छायादान करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।